Mm hm समिम नशैतरम बसमीम व आज़म शाह व नहामिन तकबल कलूब जो अल्लाह की निशानियों का अहतराम करे ये उसके तकवा कल्ब की निशानी क़ुर मजीद में साफ साफ इस बात का एलान किया जा चुका है और यह क़ुरान की आयत है जिसकी मैंने आपकी खिदमत में तलावत की अजीज़ान ग्रामी अल्लाह की निशानियाँ और इसका एहतराम इसका हुक्म हमको अल्लाह की तरफ़ से मिल रहा है इसके लिए हमको अल्लाह ने हुक्म दिया और के ताल्लुक से हमें हजूर सवर कायनात ने बताया चुनानचे जहाँ तक के बात अहतराम की है बात मोहब्बत की है तो हजूर सवर कायनात ने एक तरफ पूरा इस्लाम पहुँचाया पूरा दीन पहुँचाया कुरान पहुँचाया अल्लाह के बारे में बताया अपने बारे में बताया कयामत के बारे में बताया मुख्तसर यह है कि दावत अशीरा से लेकर मैदान गदीर तक तेईस बरस में पूरा दीन पूरा मज़हब पूरा इस्लाम हमको बताया और ये वो तमाम चीज़ें थीं जो अल्लाह की तरफ़ से हजूर सवर कायन पर नाजिल होती रहीं और हजूर सवर कायनत उम्मत को बताते रहें लेकिन इसके साथ साथ आप रसूलुल्लाह की हयात तैयबा में भी देखें कि रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में हमको ये नज़र आता है कि अल्लाह ने अपने अहले बैत से कैसे मोहब्बत की इसलिए कि मोहब्बत का सबक दुनिया में पढ़ाया नहीं जाता मोहब्बत का सबक इंसानी फितरत उसको सिखाती है और इंसानी फितरत उसको पढ़ाती है मोहब्बत पढ़ाई नहीं जाती मोहब्बत सिखाई नहीं जाती है यह खुद ब खुद अंदर से इंसानी फितरत उसको बता देती है लेकिन हजूर सवर कायनत ने अपने अहल बैत से जो मोहब्बत की है वो उम्मत को बताया भी है और उम्म को सिखाया भी है चुनानचे आप गौर फरमाइए आप देखें कि अपनी बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलाम जो रसोल्ला की इकलौती साहबजादी थी उनके दरवाज़े पर आके रसूल सलाम करते हैं उनकी ड्योहड़ी पर आके इजाज़त लेते हैं और बहसीत बाप के बाप भी हैं सरदार रसूल भी हैं एक लाख चौबीस हज़ार के सरदार भी हैं सवाल करते हैं पूछते हैं बेटी आपकी इजाज़त है कि आपका बाबा आपके घर में आ जाए जब जनाब फ़ातिमा जहरा बज में तशरीफ़ लाती हैं तो रसूल ख़ुद तज़ीम के वास्ते खड़े होते हैं और अपने बराबर में पहलू में सदर मजलिस में बेटी को जगह देते हैं इमाम हसन और इमाम हुसैन सलाम के लिए रोज़ ईद शबी नाका बनते जब दोनों शहजादों ने फरमाइश की है नाना जान हमारे पास मरकब नहीं है तो रसूलुल्लाह बजाय इसके किसी साहबी को हुक्म देते रसूलुल्लाह ख़ुद मस्जिद में शबी नाका बन गए अपनी पर दोनों शहजादों को बिठाया और मस्जिद में हाथ बढ़ा के चलने लगे मौला अली के मुतालिक अली को अपने पहलू में बिठाया अली के मुतालिक फरमाया कि देखो अली को पहचानो अली की मंजिलत क्या है खान काबा में बुशिकनी के वक्त मौला अली को अपने दोष पर बुलंद किया अपने कांधों पर बुलंद किया मौला अली से रसूलुल्लाह की मोहब्बत दुनिया के सामने है। आलियमी वाना मिन हो अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ ये वो तमाम बातें हैं कि जो रसूलुल्लाह की हयात में रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में नज़र आती हैं किस तरह रसूलुल्लाह ने अपने भाई अपने दामाद अपने वसी अपने जानशीन हज़रत अली से मोहब्बत की है किस तरह रसूलुल्लाह ने अपनी इखलौती बेटी का एहतराम किया है उनसे मोहब्बत की है किस तरह रसूलुल्लाह ने अपने दोनों नवासों से मोहब्बत की है और उनकी ख्वाहिश का एहतराम किया है तो अजीज़ों ये वो बातें हैं कि जिससे पता चलता है कि रसूलुल्लाह इनसे कितनी अक़ीदत रखते थे कितनी मोहब्बत करते थे कितना इनका एहतराम करते थे लेकिन अफसोस तो यही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वालों ने और नाम इस्लाम के ठेकेदारों ने रसूलुल्लाह की बेटी जनाब फ़ातिमा जहरा और उनके चार नायब और जानशीन और उनके बेटों यानि इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो हमारे दूसरे इमाम हैं चौथे इमाम इमाम जैनुल अब्दीन अलैहिस्सलाम पाँचवें इमाम इमाम मोहम्मद बा़िर अलैहिस्सलाम और छठे इमाम इमाम जाफर अलैहिस्सलाम इनकी कबूर जो जन्नतलवकीम हैं जिन पर रोज़ तामीर थे जिन पर साया था उन रोज़ों को मुनहदिम कर दिया खुदा लानत करे आले सऊद पर खुदा लानत करे उन बादशाहों पर खुदा लानत करे उस हुकूमत इख्तदार पर जिसने रसूलुल्लाह की बेटी के मज़ार को इस तरीक़े से कुब्बों को उठा दिया कि आज मज़ार ज़ेर आसमान है आज से लगभग सत्तानबे बरस पहले ये अफसोसनाक दिल खराश वाक़ा मदीन मनवरा में अंजाम पाया ये सऊदी हुकूमत ये आल सऊद जिनका अगर आप जिनकी तारीख पढ़िए तो आपको इनकी तारीख मिल जाएगी हिस्ट्री जगह जगह इनकी मौजूद है कि ये चरवाहे थे चरवाहों का ख़ानदान था अरब के सहरा में रेगिस्तान में ये ऊँट चराते रहते थे ये क्या जाने का हुकूमत क्या है ये क्या जाने के अख्तदार क्या है ये क्या जाने के इस्लाम क्या है ये क्या जाने के दीन क्या है चरवाहे अरब के रेगिस्तान में ऊंट चरा रहे हैं मगर कुछ सियासी उथल पुथल से इनको इकतेदार मिल गया इनको हुकूमत मिल गई और ये अपने को इस्लाम का ठेकेदार समझने लगे वो दीन जो ये साफ साफ ऐलान करता है कि लाकरा हाफीन दीन में कोई जबर नहीं है दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है इस्लाम में जब कोई जबर नहीं है जबरदस्ती नहीं है यहां तक के रसूलुल्लाह की हयात तैयबा में तेईस बरस में रसूलुल्लाह ने किसी को जबरदस्ती कलमा नहीं पढ़वाया है अपने डरा के धमका के तलवार के जोर पर किसी को कलमा नहीं पढ़वाया है अपनी मर्जी से खुशी से इंसान आया है उसने रसूल के हाथ पर बैत की है मुसलमान हुआ है और उसने कलमा पढ़ा है तो जब ये इस्लाम की टीचिंग्स हैं ये रसूलुल्लाह की तालीमत हैं तो ज़बरदस्ती अपनी आइडियालॉजी अपना नज़रिया अपनी फिक्र अपने ख्याल पूरे उम्मत मुसलमा के ऊपर थोपना ये कौन सा इस्लाम है यही तो हम कहते हैं कि इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है जो आज इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं बड़े अफसोस की बात है कि खुद तो आलिशान महलों में रहते हैं लेकिन रसूल की बेटी और उनके बेटों की ख़बरें खुले आसमान में हैं जिन पर चराग नहीं है जिन पर साया नहीं है जहाँ कोई रोशनी करने वाला नहीं है इसके सिलसिले में मेरी तमाम हजरात से मैं उन तमाम लोगों से गुज़ारिश करता हूँ जिनके दिलों में रसूल अल्लाह की मोहब्बत है जिनके दिलों में रसूल्ला की तलौती बेटी से मोहब्बत है जिनके दिलों में रसूल के नवासों और उनके बेटों से मोहब्बत है वो अपनी आवाज़ बुलंद करें आवाज़ एहतजाज बुलंद करें और आठ शवाल जो इनदा में बकी का दिन है इस दिन आवाज बुलंद करके ये बताएं कि हम जालिम के साथ नहीं हैं हम मजलूम के साथ हैं अल्लाह जज़ाए ख़ैर अता करे हुसैनी चैनल को जिसने ये अहतमाम किया है कि आज ये पैगाम हर तरफ सोशल मीडिया के जरिए से और टी वी चैनल के जरिए से नशर कर रहा है कि आवाज दूर दूर तक जाए बेशक ये भी एक काम है जिससे जैसे मुमकिन हो सके उस तरीके से वो आवाज़ बलंद करे आप ये ना सोचिए कि हम अकेले हैं अकेले से ही खड़े हो जाइए हक़ की रामे खड़े हो जाइए तो आप अकेले नहीं आप पूरा लश्कर बन के खड़े हो जाएंगे लिहाजा मैं फिर एक मरतबा तमाम लोगों से गुज़ारिश करता हूँ जिनके दिलों में मोहब्बत रसूल और आल रसूल की मोहब्बत है कि वो आठ शव्वाल जो इन्हदा जन्नतब्बी का रोज़ है उस दिन आवाज़ एहतजाज बलंद करें जालिम सऊदी हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ बलंद करें उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें कि जो आज से सत्तानबे बरस पहले मदीन मुरवरा सऊदी अरब में हुआ जहाँ रसूल और उनकी आल के रोज़ों को मुनदम किया